अश्वमेघ विद्यालय टुडेज इन 11th फिजिक्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट सो इन दिस यूनिट वी हैव द क्वेश्चन फर्स्ट व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाट इज यूनिट्स सो व्हाट इज मेजरमेंट पे हम पहले फोकस कर रहे हैं तो मेजरमेंट क्या है कौन सी चीज का मेजरमेंट होता है ओके तो वो हम एक एग्जांपल के द्वारा सीखेंगे यहाँ पे तो फॉर एग्जांपल एक बॉल है मेरे पास यहाँ पे रख दिया मैंने और उसको मैं कुछ दूसरे डिस्टेंस पे फेंकने जा रही हूँ तो ये बॉल मान लो यहाँ से यहाँ तक आ गया ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक का हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे तो डिस्टेंस मिल रहा है ओके फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस के साथ उसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या लगेगा तो समय लगेगा तो हमें टाइम मिल गया है यहाँ पे ओके तो डिस्टेंस के साथ यहाँ पे टाइम मिला दूसरा कि जो बॉल हमने थ्रो की है डाली है यहाँ पे जो बॉल उसका पर्टिकुलर अपना मास होगा तो क्या यहाँ पे बॉल का मास यहाँ पे देखो हमें तीन चीजें मिली है डिस्टेंस मास एंड टाइम ये जो है डिस्टेंस मास एंड टाइम विच आर कॉल्ड क्वांटिटी एंड इन फिजिक्स सब्जेक्ट्स दिस डिस्टेंस मास एंड टाइम आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी ओके सो फर्स्ट हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सीखेंगे सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी ये फिजिकल क्वांटिटी है इशारी तो उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी वो हम सीखते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी तो अभी हमने देखा कि डिस्टेंस तो उसको हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हमारा टॉपिक है मेजरमेंट हमें मेजर करना है तो डिस्टेंस जो था तो हम मेजर कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं फिर समय टाइम भी हम मेजर कर सकते हैं ओके तो उसी वजह से हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखेंगे द क्वांटिटी कैन बी मेजर आर इज कॉल फिजिकल क्वांटिटी एकदम इजी डेफिनेशन है द क्वांटिटी कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी First is fundamental physical quantity. Second is derived physical quantity. There are two types of physical quantity. First is fundamental physical quantity and second is derived physical quantity. So, अब हम सीखेंगे कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है फिजिकल क्वांटिटी तो हमने देख लिया कि द क्वांटिटी कैन बी मेजर देन व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल मीन्स अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल कि मुझे मेरे पास जो भी मार्कर है उसका मुझे वेट मेजर करना है तो अगर मुझे वेट मेजर करना है तो मैं इसके लिए लेंथ क्वांटिटी यूज करूंगी तो चलेगा नहीं चलेगा फिर मुझे इसका लेंथ मेजर करना है तो मैं इसके लिए टाइम क्वांटिटी यूज करूंगी तो चलेगा नहीं चलेगा मतलब क्या कि ऐसी क्वांटिटी जो कभी एक दूसरे के लिए
में वर्क नहीं कर सकती, दोनों का प्लेस नहीं ले सकती, इंटरेक्ट नहीं हो सकती. ओके, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे द क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड. मेजर इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. द क्वांटिटी कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. यानी कि अगर मार्कर की मुझे लेंथ मेजर करनी, तो लेंथ हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं. ओके, और उसके मास मेजर करना हो तो मैं डायरेक्टली मास मेजर कर सकती हूँ. तो डायरेक्टली जो क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं, तो वो क्वांटिटी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. ओके, तो वी है हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. कौन कौन सी है वो हम देखते हैं. तो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच आर. सो फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज मास. देखो हमने डिस्कस किया लेंथ मास. थर्ड इज टाइम, इलेक्ट्रिक करंट. फिफ्थ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. सिक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी. एंड सेवन इज सब्सटेंस ऑफ मोल. सो विच आर दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड सब्सटेंस ऑफ मोल. ये ऐसी क्वांटिटी जो है वो डायरेक्टली हम उसको मेजर कर सकते हैं, इसलिए उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है. ओके, अभी ये तो हो गया क्वांटिटी के बारे में. हम मेजरमेंट टॉपिक देख रहे थे, तो मेजरमेंट किसका किया जाता है, तो क्वांटिटी का. लेकिन क्वांटिटी अगर हम मेजर करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल लेंथ हमें मेजर करनी है, तो हमें यूनिट चाहिए, राइट. सो व्हाट इज यूनिट. तो यूनिट हम देखते हैं, तो हमें पता ही है कि कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो हम अभी देख रहे हैं. तो फंडामेंटल यूनिट पहले हम देखेंगे. सो फंडामेंटल यूनिट्स कैसे मिलेगा हमें, तो The unit of fundamental physical quantity is called fundamental units. The unit of fundamental physical quantity is called fundamental units. और वो यूनिट कितने मिलेंगे हमें, अगर हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है 7 है, तो फंडामेंटल यूनिट्स भी कितने मिलेंगे 7. हम यही पे लिख रहे हैं, तो लेंथ का जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो मिलेगा मीटर, जिसको हम स्मॉल सिंबल स्मॉल m का सिंबल यूज कर सकते हैं. मास तो उसका यूनिट्स है किलोग्राम kg. टाइम का यूनिट है सेकेंड, सबसे स्मॉल यूनिट हम यूज करते हैं यहाँ पे सेकेंड. इलेक्ट्रिक करंट जिसका यूनिट है एम्पियर, आपको कैपिटल ए यूज करना है यहाँ पे. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर तो उसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो कैपिटल के. ल्यूमिनस इंटेंसिटी
उसका यूनिट है सी डी, कैंडेला उसको बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सी डी, और सब्सटेंस ऑफ मोल जिसका यूनिट है मोल. सो क्लियर. टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी है और उसका फंडामेंटल यूनिट्स भी हमें कितने मिलेंगे, 7. सो क्लियर. सेकेंड है हमारा, ये तो हमने फर्स्ट टॉपिक देखा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. सेकेंड हमारे पास है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी. सो सेकेंड इज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी. सो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हमें कैसे मिलेगा, तो डिराइव मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करके हम जो क्वांटिटी यहाँ पे प्राप्त करेंगे उसको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बोला जाएगा. ओके, तो डेफिनेशन हम लिखेंगे द क्वांटिटी कैन बी गेट बाय यूज ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी. डेफिनेशन एकदम इजी है. द क्वांटिटी कैन बी गेट बाय यूज ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो है हमारे पास 7 लेंथ मास टाइम, ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल, उसको यूज करके हम जो नई क्वांटिटी प्राप्त करेंगे उसको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है. देखते हैं, फॉर एग्जांपल आई थिंक आपने ये वर्ड सुना ही है वेलोसिटी. वेलोसिटी, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम एंड हियर डिस्टेंस इज अ वन टाइप ऑफ लेंथ विच आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. डिवाइड बाय टाइम, टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. सो दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके हम कोई दूसरी क्वांटिटी यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, कौन सी क्वांटिटी, तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी. सेकेंड एग्जाम्पल ले तो एक्सेलरेशन, जिसका सिंबल है a, इज इक्वल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. आप ऐसा कोई भी क्वांटिटी यूज करके उसका सिंबल निकाल सकते हो. तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया, उसके बाद हम डिराइव यूनिट्स देखते हैं. तो डिराइव यूनिट्स सिंपल डेफिनेशन रहेगी, यहाँ पे भी सेम, द यूनिट ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड the units of derived physical quantity is called derived units. For example, velocity है हमारे पास, तो उसका equation है distance divided by time. तो हमें उसका यूनिट्स क्या मिलेगा फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस का टाइम हमें मिलेगा मीटर डिवाइड बाय सेकेंड. तो ये जो आपको मीटर पर सेकेंड यूनिट मिला, विच इज कॉल्ड डिराइव यूनिट्स. सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, उसके दो टाइप्स है, कौन कौन से फंडामेंटल है और डिराइव क्वांटिटी है. इसका अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.